तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब को, मान श्री अनंतपुर साहब का इन्होंने केंद्र मैगजीन की प्रकाशना की
जिदे पंजाबी मां बोली संबंधित जोड़े लेखक से कवि से साहित्यकार से उन्होंने प्रफुल्लित किया। चंडीगढ़ और फगवाड़ा को ही प्रकाशन की इन्हों पंजाबी हिंदी अंग्रेजी भाषा दार कविताव आम और एक तुम दस दी जो प्रोफेसर महेंद्र सिंह भागी है ये जेडे शायरी की दुनिया में महेंद्र के नाम से जाने जाते सिर्फ महेंद्र और महेंद्र के तौर पर इन्होंने अंग्रेजी की इलस्ट्रेटेड वीकली है जी है उन्होंने जी कविता लिखी और पंजाबी उपर दुनिया के जो पंजाबी लिखे उन्होंने ये प्रसन्न के पात्र बने हूँ जी एक अंतरराष्ट्रीय मैगजीन प्री पोएटिक उदे विच एक खोज की गई खोज सर्वे किया गया सर्वे सौ साल तो जी अमर कवितावान उन्होंने जी लेखक का नाम दिता गया प्रोफेसर पंजाबी महेंद्र यानी कि प्रोफेसर महेंद्र सिंह बागी जी का नाम से उस तो बिना अंग्रेजी पिछों पी एस गिरियट और हिंदी सुमित्र मोहन जी जे उन्हों का नाम से दुनिया के तीन कवियों शुमार हुए इन्हों कवितावान करके समाज सेवा के भूरी वाला विद्यक ट्रस्ट है उन्हें चेयरमैन है जिसे तीन डिग्री कॉलेज है तीन अंग्रेजी माध्यम से कन्वेंट स्कूल है तीन पंजाब बोर्ड है और एक पी एच कॉलेज चलाया जा रहा है और इन्होंने द्वारा जो चलाई जाती संस्थावान है नूनपुर बिंदी बलाचौर बड़शंकर के जो नीम पहाड़ी इलाके है गरीबी वैसे ही साडा इलाका गरीब है चलो जो पहाड़ी खेत्र है वो सब तो भी गरीब है उसके सस्ती शिक्षा दे रहे और विद्यार्थियों विद्या का दान बन रहे प्रोफेसर बागी का लिखा हुआ एक नावल चरणी आत्म कथा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ाया जाता है उस तो बिना छिड़ भी पत्थर लाया दूजा नावल है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होया और पूरी देश दुनिया में जो जाने जाता और इन्हों की एक मशहूर लाइना मैं जी समाप्ति कर रहे मैं वो नहीं हाँ जो चीज़ों को चुन सकता हाँ मैं वो नहीं हाँ जो चीज़ों को चुन सकता हाँ सब चीज़ा जो मैनू चुनिया हैं सब चीज़ा हैं जो मैनू चुनिया हैं तो फिर तरफा तरफा के मार दिया महेंद्र आमीन जिसे को पैसा दिया है असि उस बंदे की कदर नहीं की है जिसके बहुत ज्यादा मैं लगता कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी कर रहा तो शायद पूरा करके पता जरा हिंदुस्तान का सॉरी सब का माण का बहुत वही गल सी क्योंकि उन्होंने चाहे किसी तरह का साहब हो नाम साहब हो लेकिन एक किरदार जरा माया रहस्य समाज है जिन्ना जिन्ना करनी है जिसके मार्क्स कहता है कि अल्टीमेटली मनुख के जेब के पैसा कटना जोड़ा है ये बहुत ही जरूरी है कि गुरु गोबिंद सिंह बहुत देर पहला कह गया गुरु नानक देव बहुत पहला कह गया साधना चाहे बापा वालों इकट्ठे ही हो सकते असी उस बंदे जिन्हें पाप के कमाई की हुई है उसको अभी पापी नहीं कहते क्यों बना क्योंकि साढ़े अंदर दो गल हो गई ने कि जे वे बंदे ने तस्वीर दूर ले लो उन्होंने ये कह लो कि बहुत महान सी उन्होंने फुल पा लो उन्होंने माला पा लो उन्होंने बारे ये गल कर लो कि असं नहीं हो सकते किसी करप्ट बंदे की नजर करके अपने आप को करप्ट कर सकते हो लेकिन किसी ईमानदार बंदे की नजर करके ईमानदार बनना साढ़े समाज ने ठुकराया होया अपने अंदर चल मैं अपने अंदर झाकी मारना जो असं अपने अंदर झाकी मारते हैं तुम अपने अंदर झाकी मारो तो असं कि बंद की कदर की है जो ईमानदार से और कितने बंदे है ने जो ईमानदार मेरा ख्याल है शायद ही कोई शायद ही उन्होंने कोई चीज है सारे को गल करते मैं थोड़ा बहुत ज्यादा रहा है
इस गल का धन्यवाद करना। मैं जो कविता लिखनी शुरू की मैं पूछा कि पहला तो मैं अपने ना के जितने भी आप की गल सी बताने की कोशिश की कि मेरे अंदर जरा मैं मेरा जरा मैं कोई कोई शब्द स्वयं दो शब्द सारे शब्दों में देखा कि इन शब्दों को ज्यादा वर्तना का बहुत बड़ा जरूर और फिर लिखण का बेला बेला करके थोड़ा जा दसदा वा कि मैं लिखा की है मैं मौका पर इस करके जानते हो मैं थोड़ा जाके लोगों दिन गल कर दी हाँ लेकिन मेरे लिखण के राइटिंग के जोड़े नवें चैलेंज ने वो मैं पिछले 50 साल किसी भी मुल्क ने भी बैठे ने उन्होंने रबता रख के दुनिया के शुरू गला आ जाइए। फैसला श्री आनंद साहब देव वालों उलीके अवार्ड मंत्र दूजे फैसला नरमुंड के प्रधान गुरु गोबिंद कुमार मंडल वालों आए समूह मेरे वे भावों का इसे गुंजर के पहला बहुत बहुत धन्यवाद। सानू प्रेस क्लब वालों के माण महसूस होता है जिन वालों ये अवार्ड शुरू कर फैसला किया गया। सानू माण है अभी इस पहले वार्ड में कौम की महान शख्सियत सरदार जो संत बाबा लाभ सिंह जी जिन्होंने प्रणाम किया उस इसी सत्संग दल के प्रधान जो कि पिछले तकरीबन 50-55 साल तो इलाके अंदर समाज सेवा के नाम धार्मिक कामों के भी बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही संस्था है ये प्रधान माता गुरजंदर जी को यह सम्मान दिता से। उस तो बाद कोविड करके 2-3 साल मुझे बड़ा गया भी पै गया परंतु साढ़े प्रेस क्लब वालों एक पैनल बनाया गया जिसे कुछ नाम दर्ज किए गए थे जिन्हों प्रोफेसर रविंदर सिंह जी बागी जो कि जान या पहचान के मुलाज नहीं है उन्होंने नाम से साढ़े प्रेस क्लब एक सहमति बनी थी भी ये अवार्ड प्रोफेसर साहब दिता जाए तो अभी इसलिए प्रोफेसर साहब का खोज भी की थी मैं इन्होंने धन्यवाद भी करता से जिन्होंने ये साफूल उन्होंने फोन किया तैयार करो ये ऑफर तो बीते दिन अभी इन्होंने अवार्ड दे दी तो इन्होंने फोन की अभी इन्होंने दसिया से भी अभी अवार्ड करना चाहते हैं तो 2-3 साल के गैप पॉइंट करके अभी इन्होंने मुआफी भी मिल गई। अज मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हाँ कि प्रोफेसर साहब जी का धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने वो तो कहते साढ़े छोटे जे सदे के उत्ते पहुँच के साथ मन बताया गया है बेनती करना कि वो प्रेस क्लब मंथन में पहुंचे सारे धर्म अपने सज्जा का फैसला साहब के मैंबर साहबान का प्रोफेसर साहब का इतने पहुंचने मैडम मिश्री बागी जी का इतने पहुंचे बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो भी बैठे हैं मुलाजम आगू बैठे हैं
श्री आनंदपुर साहब का डेरे है जी। सेवा ताली मारने की जरूरत है क्योंकि प्रोफेसर साहब की विलखण शख्सियत विलखण सोच से जिदा कि चाना साहब ने कहा है कि क्रांतिकारी जो विचार है वो चल रहे सन। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर महेंद्र सिंह बागी ते मिसेस बागी ले। सो बहुत बहुत धन्यवाद।